मतलब पंकज सिंह भदौरिया है, राज ज्ञानी, अब इनका मालूम नहीं है कि इनके नाम का लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि ये लोग फ्रॉड है, ये अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। दूसरा, कोई भी मोबाइल नंबर सही नहीं होता। सर जी, सर क्या राज ज्ञानी सर से तो हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तो उनको वहाँ पे वो साफ कह रहे थे कि अगर मेरी टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज कोटा एग्जीबिशन का दूसरा दिन है, तो हम आज दूसरे दिन भी कोटा एग्जीबिशन के अंदर ही है। अभी तो क्या है, जो थोड़े बाहर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं, तो उनसे थोड़ी मुलाकात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम विकास है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उत्तम चंद है, मैं 2-3 साल से ये इनका कनेक्शन करता हूँ पुराने सिक्कों का, और क्या नाम से ये लॉकडाउन हुआ था जब से 2-3 साल से आप इन नोटों सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हो, तो आप कितनी दूर से यहाँ चल के आए हो? मैं आऊँ 150 किलोमीटर से। 150 किलोमीटर का सफर निकाल के यहाँ आए हो, तो आपका कोई भी नोटों सिक्का यहाँ पे बिका है क्या? कल थोड़ा सा बिका था, बाकी ज़्यादा तो नहीं बिका। कौन कौन से सिक्के बिके थे आपको कुछ मालूम है? क्रॉस वाला और क्या नाम से 58-54। 58-54 व 10 रुपये का क्रॉस वाला सिक्का आपका बिका था, तो उसकी प्राइस आप बता सकते हो हमें? हाँ, वो 300-350 रुपये करीब में बिका था। मात्र 350 रुपये में इनका सिक्का बिका है, और YouTube पे जो दावे किए जाते हैं कि 1 रुपया लेके आओ, 1 करोड़ लेके जाओ, वो तो सारे झूठे हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं देखने को पाया। आप लाइव यहाँ से मुलाकात कर सकते हो, सिर्फ 350 रुपये में इनका सिक्का बिका है, और भी इनके पास काफ़ी कलेक्शन है, वो भी देखिए। और सर, आप पहले भी किसी और एग्जीबिशन के अंदर गए हो क्या? मैं गया हूँ, अहमदाबाद एग्जीबिशन में भी गया हूँ। तो वहाँ पे कौन कौन से सिक्के बिके आपके? वहाँ पे चांदी वाले सिक्के बिके थे, बस 3 वहाँ बिके थे। 3 चांदी वाले सिक्के वहाँ बिके थे, तो सर हमें बता सकते हो किस प्राइस में बिके थे? 30,000 रुपये का खर्चा था, 30,000 रुपये का ही बिके थे। इनका कहना है कि जब वो ये वहाँ पर गए तो 30,000 रुपये इनके खर्च हुए थे, और चांदी के 3 सिक्के की कीमत 30,000 वहाँ पर लगी, तो 30,000 में की कीमत में इनके 3 चांदी के सिक्के बिके थे। सर, और भी आपने काफ़ी कलेक्शन कर रखा है, उनके बारे में आप बताइए कि आपके पास कौन कौन सा सर स्पेशल नोट और सिक्का है? स्पेशल नोट सिक्का तो क्या है, बस यही है जो चलते हैं, यही है जो चलते हैं। कुछ हमें जो चलते थे ना, 1 का 2 का 10 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा, 5 रुपये, 2 पैसा। तो सर, यहाँ पे काफ़ी उम्मीद लेके आए थे कि यहाँ पे YouTube पे ऐसे वीडियोस देख के आए थे कि हम काफ़ी कलेक्शन लेके जाएंगे, उनमें से कोई सा नोट और सिक्का यहाँ पे बिकने वाला है, वो भी लाखों की हज़ारों की कीमत में, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 350 की प्राइस में एक इनका कुछ सिक्के बिके हैं, जिनकी कीमत मात्र 350 रुपये, 350 रुपये ही लगी है, और जो YouTube पे लाखों के दावे किए जाते थे वो तो यहाँ पे सब फेल होते। सर, आपने YouTube पे वीडियो देखे आए या फिर आपको पहले से पता था कि प्रदर्शनी के अंदर यही रेट लगने वाली है? ये YouTube पे ही मैंने इसका पता लगाया था, क्या नाम से कि कहाँ पे एग्जीबिशन लगने वाली है। वैसे दूर लग रही थी, अहमदाबाद में लग रही थी, पर ये कोटा पास में लगा, इस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो सर, आपको एक आस तो थी ना कि हमारा भी नोट और सिक्का लाखों के अंदर बिकेगा? बिकना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सिक्का तो कम बने हुए हैं, जो लाखों में बिकता है वो तो, जैसे मान लो आज 135 करोड़ अपन देशवासी हैं, और जैसे 1 लाख सिक्के बने हैं, तो उनमें से कोई सिक्का ले लेते हैं तो वो है, मतलब कोई भी सिक्का लेते हैं जो लाखों की कीमत में बिकता है। ऐसा कुछ ही सिक्के बने हैं जो कम बने हैं। हाँ सर, उसी लिए उनकी प्राइस है क्या लाखों में लगती है। 135 करोड़ हैं, उसमें से 10-20 हज़ार सिक्के छपते हैं या 1-2 लाख सिक्के छपते हैं, तो उनकी कीमत होती है, वो भी मिंट के हिसाब से और किस समय जो गवर्नर था उसके हिसाब से। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनका नोट और सिक्का काफ़ी कुछ खास कीमत में नहीं बिक पाया है, और एग्जीबिशन के हालत दिए ही है, तो आप ऑनलाइन ठगी वाला सिस्टम तो छोड़ ही दो कि ऑनलाइन 350 रुपये में ऑनलाइन भी आपका खरीदा जाए तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऑनलाइन जो लाखों के खरीदने के दावे करते हैं वो तो सारे मेरे को फेल होते नज़र आ रहे हैं। वो तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ही ऑनलाइन अपना नाम घुमाते हैं, नंबर घुमाते हैं, और सब लोग चिट्टर। सर, आपका क्या कहना है? तो खुद का अनुभव है 9 महीने में। यार, मैं आपको वीडियो बताऊं,
मेरे पास तो बेनिफिट प्रूफ है, वो साले कमीने मेरे सामने नहीं आते, अपना थोड़ा बिगाड़ दो, मजाक नहीं कर रहा मैं। सर सर का ये जितने भी नाम है ना, जो मतलब पंकज सिंह भदौरिया है, राजज्ञानी, अब इनका मालूम नहीं है कि इनके नाम का लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि ये लोग फ्रॉड है, ये अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर सही नहीं होता। सर जी से क्या राजज्ञानी सर से तो हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तो उनको वहाँ पे वो साफ कह रहे थे कि अगर मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगे या रजिस्ट्रेशन फीस या ओटीपी की डिमांड करे तो आपको नहीं देनी है। अब तो ना बोलते चार्जेस लगता ही नहीं है, पर ये फिर भी मोबाइल के अंदर जो ऐड दिखाते हैं, ऐड दिखाने के बावजूद भी अंदर लिखा जाता है कि भाई फीस नहीं है, और जब कॉल करते तो बोला फीस लगेगी 1250 750 650, ये कोई तरीका है यार? वो तो सर क्या है, फ्रॉड लोग है ना, वो मांगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। आरबीआई लेटर 1250 में बनता है, आरबीआई लेटर 1250 में बनता है बराबर। अब आरबीआई लेटर दिखाने के बावजूद भी ये लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको 650 देना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सर आरबीआई लेटर तो यहाँ पे आरबीआई लेटर की डिमांड हो रही है क्या प्रदर्शनी के अंदर? प्रदर्शनी में नहीं हो रही है, तो ये लोग आरबीआई लेटर का कुछ होता ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है आरबीआई लेटर को लेके, पर ये लोग बोलते हैं कि हमको आरबीआई लेटर चाहिए। ये तो सब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि आप पैसा जमा कराओ हम आरबीआई लेटर बनवाएंगे, पर वो बनवाते ही नहीं है, फ्रॉड ही है। वो पैसा ही जमा करते हैं आपसे, कोई आरबीआई लेटर ऐसा होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है कॉइंस बेचने के चक्कर में। कोई एविडेंस नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा देने के बाद कोई एविडेंस नहीं है, फ्रॉड ही है एक नंबर का। सर आप उनको जैसे ही पैसा दोगे ना, वो आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर आपका कॉल नहीं रिसीव करेंगे। अरे एक तो एक बात बोलूँ, अगर आप एक बायर है, आप बराबर आप हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपका गूगल पे में भी आपका ही नंबर होना चाहिए ना, वो थर्ड पार्टी का क्यों दे रहे हैं? वो तो क्या है सर, काफी लोग ठगी वाले होते हैं ना, वो हमारी वॉइस को दबा के और अपनी वॉइस वहाँ पे ऐड कर देते हैं, और वो बोलते हैं लाखों के अंदर मैं खरीदूंगा, ये मेरे नंबर है, कुछ ऐसा करके। एक बंदे ने, मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब पे तो डालिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, अबू हमजा करके एक लुखा है जिसने मेरा नंबर लेके मेरा आधार कार्ड में लिंक करवाया है लो, और मेरे 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 उसी नंबर पर से कोटक महिंद्रा में ATM 811 पर आया और मेरे घर पे बिना खाता खुले बिना पासबुक बगैर मेरे नाम का ATM कार्ड आया है। बोलो कितनी ठगी हुई थी क्या आपके साथ? कुछ रुपए ठगी हुई तभी तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ ना यार, कितने रुपए? मेरे पास एविडेंस भी है, और 3700 उसने भी डाला है खाते में, और मैंने वो निकाले नहीं, क्यों? अगर मेरे को वो है ना, वो उसको पकड़ना है, इसके लिए मैंने आपके नाम पे अकाउंट खुला रखा है और लोगों से पैसा जमा करता है उसमें, बराबर यही काम कर रहा है वो। तो सर इसके खिलाफ आपने कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई? नहीं करवानी, मेरे पास एविडेंस पड़ा है, अभी नहीं करवाऊंगा। जिस दिन किसी के साथ ठगी हुई और कोई मेरे पास आया दौड़ के क्या मेरे को कॉल किया, उस दिन इसकी लाल कर दूंगा। उसके बाद देखो उसका आधार कार्ड भी है मेरे पास, उसका फोटो भी है, सब है। जी जी बिल्कुल बराबर, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ जी। और उसने मेरे को वहाँ तक ये मेरे कॉइन है ना, उसके मेरे उसको 32 लाख रुपए उसने कीमत बताई है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको बिना बताए आपके नाम पे अकाउंट खुला रखा है, और उसमें लोगों के जो ठगी वाले पैसे आते हैं वो उस अकाउंट में डलवाते हैं। और तो अभी मालूम नहीं, अभी तक कोई बंदा आया नहीं मेरे पास, कोई किसी का कॉल नहीं है। जिस दिन आया उस दिन उसकी आओ बनी जी। तो सर नंबर तो उसने अपने जोड़ रखे होंगे ना, अकाउंट तो आपके नाम से खुला रखा है। साहब मेरे, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा तो मालूम तो पड़ जाएगा ना कहीं ये बंदा है। जी जी, तो सर आप एक बार कंप्लेंट जरूर कीजिएगा। करने का है, उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि लोगों के साथ किस किस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है। कोई तो OTP पूछता था और एडवांस पेमेंट लेता था, पर उसके हटके यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला है। उसको ही ढूंढने आया था, अगर आज वही में प्रदर्शन तो इसका भी मैं कर देता अगर मेरा हाथ में आ गया होता। यहाँ ये भाई साहब मेन मकसद उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए ही आए हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पे आया है, तो उनकी रेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आपने एक और नया ठगी का तरीका हमारे सामने आया है कि किस प्रकार से लोगों के साथ ठगी होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लोग हैं, इनसे भी हम अभी मुलाकात करेंगे।